केदारनाथ यात्रा शुरू हो चुकी है और केदारनाथ मंदिर के बाहर घंटों एक क्यूआर कोड लगा रहा जिस पर लिखा था यहाँ क्यूआर कोड से दान करें। जब तीर्थ पुरोहितों का ध्यान इस तरफ गया तब पता चला कि ये तो श्रद्धालुओं से ठगी का एक नया तरीका भर था। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में ठगों ने शिव भक्तों से ठगी करने का बिल्कुल नायाब तरीका ईजाद किया है जिसे अमली जामा पहनाने के लिए डिजिटल जुगाड़ ढूंढा गया। फिर क्या था, बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद मंदिरों में चढ़ावा चढ़ाने के लिए क्यूआर लगा दिए गए। ठगी के इस नए तरीके पर किसी का ध्यान भी नहीं गया। ये क्यूआर कोड घंटों दोनों मंदिरों के बाहर लगे हैं। न जाने कितने श्रद्धालु इस ठगी का शिकार भी हुए होंगे, किसी को पता नहीं। सच्चाई खुलने के बाद मंदिर समिति ने पहले तो अपने स्तर पर मामले की जाँच की, बाद में केदारनाथ पुलिस चौकी और बद्रीनाथ थाने में इसकी शिकायत दर्ज करा दी गयी। जिस दिन कपाट खुल रहे थे उसी दिन ये दोनों मंदिरों में ये बोर्ड लगाए गए थे। पुलिस को तहरीर दी गई है और इसमें आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है। बद्री केदार में इस तरह के डिजिटल ठगी का ये अपनी तरह का पहला मामला है। जब तक मंदिर समिति की इस तरह की ठगी पर नींद नहीं टूटी तब तक तो ठग अपना काम कर चुके थे।